नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पनामा पेपर्स लीक मामले में पूर्व पीएम नवाज शरीफ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने अदालत से कहा कि उन्होंने एक कॉमन फ्रेंड की पहचान की है जिसने उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स केस वापस लेने के लिए शहबाज शरीफ की ओर से कथित तौर पर 1,000 रुपए की पेशकश की थी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने साल 2017 में आरोप लगाया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज ने पूर्व पीएम नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स मामले को वापस लेने के लिए कॉमन फ्रेंड के जरिए उन्हें 1,000 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। इमरान ने उस वक्त शहबाज की ओर से रिश्वत की पेशकश करने वाले व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं किया था। तो इमरान खान की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पनामा पेपर्स लीक मामले में पूर्व पीएम नवाज शरीफ को लेकर एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि अदालत में उनका एक कॉमन फ्रेंड की पहचान हुई है जिसने उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स केस वापस लेने के मामले में शहबाज शरीफ की ओर से कथित तौर पर 1,000 रुपए की पेशकश की गई थी। वहीं प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि 2017 में आरोप लगाया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज ने पूर्व पीएम नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स मामले को वापस लेने के लिए एक कॉमन फ्रेंड के जरिए उन्हें 1,000 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। इमरान ने उस वक्त शहबाज की ओर से रिश्वत की पेशकश करने वाले व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं किया था, लेकिन अब उनका ये बयान कहीं ना कहीं पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल ला देने वाला है। अमेरिका और नाटो सेनाओं की वापसी के साथ ही तालिबान के बढ़ते प्रभाव और कब्जे से अफगानिस्तान के नागरिकों में खौफ काफी ज्यादा है। इसी के चलते अफगान नागरिक जल्द से जल्द देश छोड़ना चाहते हैं। इस कारण काबुल में पासपोर्ट कार्यालय के बाहर लोगों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। खुद पासपोर्ट की लाइन में लगने वाले लोग कहते हैं कि बिगड़ते हालात में हमें कभी भी देश छोड़ना पड़ सकता है। दरअसल अफगानिस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में तालिबान जिस तरह से पैर पसार रहा है उसके चलते साधन संपन्न अफगान नागरिक विदेश जाने का रास्ता तलाश रहे हैं। काबुल में अगर रिपोर्ट की बात करें तो यहां पर सुबह 8 बजे से ही लंबी कतार में लगे 52 वर्षीय अब्दुल खालिद नबियार काफी नाटो सैनिक ठिकानों पर दुकान चलाते थे, लेकिन अब असुरक्षित महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि हालात खराब होने से पहले लोग चाहते हैं कि वो तैयार रहे, यहीं पर व्यवस्था बना रहे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आमतौर पर 2000 के मुकाबले अब एक ही दिन में 10,000 लोग आवेदन के लिए आ रहे हैं। सुबह 5 बजे से 36 वर्षीय इंजीनियर खलीलुल्लाह अपनी पत्नी और बच्चों समेत पासपोर्ट कार्यालय पर गए थे। उनका कहना है कि उसने पहले ही 300 लोग कतार में लग चुके थे। वो कहते हैं कि अब देश में रहना परिजनों की जान से खेलना है। तालिबान लगातार अपना प्रभाव जो है वो बढ़ाता हुआ अफगानिस्तान में नजर आ रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं वो काफी खौफजदा नजर आ रहे हैं। अमेरिकी सैनिक वहां से वापस लौट रहे हैं जिसके बाद तालिबानी आतंकी अपना वर्चस्व जमाते हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। ऐसे में जो आम नागरिक हैं वो अपने और अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए वहां से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, जिसको लेकर पासपोर्ट कार्यालय के बाहर लंबी लंबी कतारें सुबह से ही लग जाती हैं, लेकिन लोगों का नंबर नहीं आ पाता है। जहां 2,000 रुपए लग रहे हैं वहां 10,000 रुपए तक लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में जो वहां के आम नागरिक है उनका कहना है कि अगर हम यहां पर रहें तो आने वाले समय में तालिबान का आतंक और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में हमें एक न एक दिन देश छोड़ना ही है, इसलिए हम पहले ही अपने और अपने परिजनों की जान बचाना चाहते हैं और यहां से जाना चाहते हैं। इसी वजह से वो लगातार पासपोर्ट के लिए इधर उधर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी से दुनिया भर में मौतें पिछले एक सप्ताह में 21% बढ़ी है। इनमें से 70,000 से ज्यादा मौत अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया में हुई है। वहीं दुनिया भर में कोविड-19 मामलों में 8% की वृद्धि हुई है। औसतन हर दिन
5,40,000 मामले रोजाना सामने आए हैं। इसके साथ ही दुनिया भर में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 19.4 करोड़ हो गई है। वहीं अब तक 41 लाख लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। इस वक्त भी दुनिया में 1.41 करोड़ कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। WHO ने कहा है कि अगर इस तरह से केस बढ़ते रहे तो अगले 2 हफ्तों में दुनिया में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 20 करोड़ के पार पहुंच सकती है। WHO ने बताया कि यूरोप को छोड़कर सभी क्षेत्रों में कोरोना वायरस से मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो WHO लगातार कोरोना के मामलों को लेकर देशों को चेताता हुआ नजर आ रहा है और WHO की तरफ से यह भी सामने आया है कि अगर आने वाले समय में इसी स्पीड से मामले सामने आते रहे तो दुनिया भर में जो आंकड़े हैं कोरोना के वो 20 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं। तो एक हफ्ते में 21% मौत जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है। मौत के आंकड़े 21% बड़े हैं, यानी कहा जा सकता है कि जिन जिन देशों में कोरोना वायरस लगातार पैर पसार रहा है वहां पर जो मृत्यु दर है वो भी बढ़ रही है। कोरोना के नए मामलों में 8% की भी वृद्धि हुई है। मृत्यु दर में 21% और नए मामलों में 8% की वृद्धि कहीं ना कहीं चिंता का सबब बना हुआ है। WHO लगातार देशों को चेताता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ ये कह रहा है कि तीसरी लहर की भी आशंका है। डेल्टा वेरिएंट के रूप लगातार बदल रहे हैं, ऐसे में अब भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना कम जरूर हो रहा है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत के साथ रिश्तों को लेकर जो संशय था वैसे तो वो पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन नई दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को पूरी तरह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्ते और गहरे होंगे और व्यापक होंगे। ब्लिंकन की दिन भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात में अफगानिस्तान, चीन, कोरोना महामारी और आर्थिक रिश्तों को लेकर बात हुई है। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच 1 घंटे चली द्विपक्षीय वार्ता के बाद ब्लिंकन का यह कहना है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों जैसा दुनिया में और कोई महत्वपूर्ण रिश्ता नहीं है, यानी यह कहा जा सकता है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती जो है वो लगातार चरम पर बनी हुई नजर आती है। उनके भारतीय दौरे का सार है, उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के साथ साझेदारी को मजबूत करना राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन की अहम प्राथमिकता है। दोनों देशों में गहरे रिश्ते बनाने की प्राथमिकता की तर्ज पर ब्लिंकन यहां पहुंचे हैं और उन्होंने लगातार मुलाकात की है जो बड़े चेहरे उनसे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हो, चाहे वो विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, इन सभी से द्विपक्षीय वार्ता हुई है। और ऐसे में जो तमाम मुद्दे रहे हैं वो कोरोना और राष्ट्रीय सुरक्षा, साथ ही साथ सीमा पर जो लगातार विवाद बने रहते हैं उसको लेकर, चीन के मुद्दे को लेकर, पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर, साथ ही साथ अफगानिस्तान में जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर चर्चा हुई है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि अमेरिकी और भारतीय जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा गहरे होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले अगर अमेरिका में पिछली सरकार की हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तब भी भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहद मजबूत थे। डोनाल्ड ट्रंप खुद भारत आए थे और अब जो बाइडेन की सरकार है अमेरिका में, तो जो बाइडेन भी चाहते हैं कि भारत के साथ उनके रिश्ते वैसे ही बने रहे जैसे पिछले कई सालों से बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमले के बाद से ही लगातार सुरक्षा एजेंसियों को फर्जी कॉल्स आना शुरू हो गया है। ये कॉल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की ओर से की जा रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सुरक्षा बलों को की जा रही इन फर्जी कॉलों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI लगातार इस पर विचार कर रही है कि वो वरिष्ठ अधिकारी बनकर भारतीय सुरक्षा बलों को की जा रही फर्जी कॉल्स की संख्या को बढ़ाएं। ये कॉल अलग अलग नंबरों से आ रही है और इनमें से बेहद कम ही ऐसे हैं जिन्हें ट्रेस किया जा सकता है। पश्चिमी सेक्टर में ड्रोन के खतरे के बाद अब इस तरह की फर्जी कॉलों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को बढ़ा दिया है। इससे पहले भी सुरक्षा एजेंसियों ने इस तरह की कॉल की जानकारी दी थी और इस पर एजेंसियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई थी। अगले महीने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह की फेक कॉल्स को लेकर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ ही यह भी ध्यान रखने को कहा गया है कि किसी भी तरह की खुफिया जानकारी लीक ना हो। तो कश्मीर में बड़ी साजिश रच रहा है पाकिस्तान और नापाक हरकतें पाकिस्तान की तरफ से हर साल सामने आती है। जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त का मौका होता है तब आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, भारत को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत मुंहतोड़ जवाब हर बार देता है। तो ड्रोन हमले के बाद अब सुरक्षा बलों को फेक कॉल्स आ रही हैं जिसको लेकर लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सैनिकों को चेता रही हैं कि इनसे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की एक चाल है।
चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 2022 की तीसरी तिमाही में होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण इसकी प्रगति प्रभावित हुई है। लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने कहा है कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कार्यक्रम फिर से निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि सामान्य कामकाज शुरू होने को देखते हुए चंद्रयान 3 का 2022 की तीसरी तिमाही में प्रक्षेपण होने की संभावना है। उन्होंने यह भी बताया कि चंद्रयान 3 के कार्य में आकृति को अंतिम रूप दिया जाना है। उप प्रणालियों का निर्माण, समेकन, अंतरिक्ष यान स्तरीय विस्तृत परीक्षण और पृथ्वी पर प्रणाली के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए कई विशेष परीक्षण जैसी विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं। हालांकि सभी काम जो वर्क फ्रॉम होम मोड में संभव थे, लॉकडाउन अवधि के दौरान भी किए गए थे। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण तीसरी तिमाही में होने की संभावना जताई जा रही है। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण को लेकर केंद्र सरकार ने जानकारी दी है। केरल में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कोरोना संक्रमित नए मरीजों की संख्या से कम है, तो ऐसे में केरल पर पूरे देश की निगाहें बनी हुई है। ऐसे में कोरोना महामारी की आशंका के बीच केरल में तेजी से संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए केरल सरकार ने 31 जुलाई और 1 अगस्त को राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी कि जागी तो सही सरकार, लेकिन देर से। ये लॉकडाउन कोरोना के बढ़ते स्तर को देखकर लगाया गया है। वहीं बाकी राज्यों की तुलना में केरल में कोरोना के केस सबसे ज्यादा है। जो एक्टिव केस है देश में, उसका एक तिहाई जो हिस्सा है वो केरल से ही सामने आ रहा है। केरल में लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आया है, साथ ही साथ सरकार को चेताता हुआ भी नजर आया है। वहीं केंद्र सरकार भी लगातार सरकार को पत्र लिखकर ये कह चुकी है कि केरल में पाबंदियां लगानी जरूरी है। अगर पाबंदियां नहीं लगाई गई तो यहां पर मामले और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। जितने मामले बढ़ रहे हैं उससे कम ठीक हो रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। और सिर्फ 3 से 4 राज्य हैं जहां पर देश भर में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें टॉप पर केरल है, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर अब भी मामले कम नहीं हो रहे हैं, सबसे ज्यादा यहीं से मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब केरल सरकार ने फैसला लिया है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा केरल में, ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके। भारत अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकी से चीन परेशान नजर आ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत अमेरिका के लोकतांत्रिक मूल्यों पर बयान दिया, जिससे चीन को मिर्ची लग गई। चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता बुधवार को दोनों देशों को लोकतंत्र पर प्रवचन देते दिखे। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों के लिए बढ़ते वैश्विक खतरे के बारे में बात की और कहा कि दोनों को लोकतांत्रिक आदर्शों का समर्थन करने के लिए साथ खड़ा होना चाहिए। असल में बुधवार को चीनी विदेश मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ब्लूमबर्ग ने एक एंटनी ब्लिंकन के बयान को लेकर सवाल किया कि क्या अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन पर उंगली उठाई। इस पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियन ने लोकतंत्र पर भावुक प्रवचन देना शुरू कर दिया। चीन ने 1949 से बिना विपक्ष एक पार्टी की सत्ता बनी हुई है। तो भारत अमेरिका के बीच जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, जो रक्षा सौदे हो रहे हैं, उसको लेकर चीन कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहा है और चीन अब लोकतंत्र को लेकर भावुक होकर प्रवचन देता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री इन दिनों भारत में हैं, तो ऐसे में अब चीन का परेशान होना लाजमी है। नागालैंड की किंग चिली या भूत जोलकिया कही जाने वाली मिर्च पहली बार लंदन को निर्यात की गई। इसकी पहली खेप लंदन पहुंच चुकी है। ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची मानी जाती है। वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि राजा मिर्ची की पहली खेप, जिसे किंग चिली या भूत जोलकिया भी कहा जाता है, नागालैंड से लंदन पहुंच गई है। ये निर्यात खेप गुवाहाटी होते हुए पहली बार लंदन भेजी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस पर खुशी जाहिर की है। पीएम ने लिखा, शानदार खबर,
पर जिन लोगों ने भू जुलाखिया को खाया है केवल वही जान सकते हैं कि कितना तीखा होता है। इसे स्कोविली हीट यूनिट के आधार के दुनिया की सबसे तीखी मिर्च माना जाता है। लंदन भेजे जाने वाली मिर्च की खेप को नागालैंड के पेरेन जिले के तेनिंग इलाके से मंगाई गई थी और इसे गुवाहाटी में कृषि एवं प्रसंस्कृति खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग वाले पैक हाउस में पैक किया गया। नागालैंड की इस मशहूर मिर्च को भू जुलाखिया या घोस्ट पेपर कहा जाता है। इसे साल 2008 में GI सर्टिफिकेशन भी मिला था। तो भारत से पहली बार लंदन निर्यात हुई सबसे तीखी मिर्ची और इसकी पहली खेप लंदन पहुंच चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर बधाई दी है और लिखा है कि शानदार खबर है, ऐसा पहली बार हो रहा है जब ये नागालैंड में उगाई गई मिर्ची लंदन पहुंच रही है। आज नई शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से मंजूरी दिए जाने का एक साल पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करने वाले हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री शिक्षा क्षेत्र में कई पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन शाम 4:30 बजे शुरू हो जाएगा। पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा में छात्रों को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का विकल्प देने वाले एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की शुरुआत करेंगे। साथ ही वो क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग के पहले साल के कार्यक्रमों और उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए दिशा निर्देशों को भी जारी करेंगे। शुरू की जाने वाली पहलों में विद्या प्रवेश भी शामिल है जो ग्रेड 1 के छात्रों के लिए 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल तैयार मॉड्यूल है। माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा निष्ठा 2.0 NCERT की तरफ से डिजाइन किए गए शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम, CBSE स्कूलों में ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए एक योग्यता आधारित मूल्यांकन ढांचा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित एक वेबसाइट भी शुरू होने जा रही है। तो नई शिक्षा नीति को लेकर आज पहला साल पूरा हो गया है, आज पहली वर्षगांठ है जिसको लेकर आज शिक्षण समुदाय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब शाम 4:30 बजे संबोधित करेंगे। इसमें कई छात्र भी शामिल होंगे, कई अहम पहलों को लॉन्च भी किया जाएगा। तो नई शिक्षा नीति को लेकर छात्र तो एक्साइटेड है ही, साथ ही साथ जो पेरेंट्स है वो भी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी के 5 दिवसीय दिल्ली दौरे का 4th दिन है। पीएम मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद आज ममता बनर्जी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा ममता अपने दिल्ली दौरे के 4th दिन शरद पवार, संजय राउत, जावेद अख्तर और शबाना आजमी से भी मिल सकती हैं। एक दिन पहले ममता ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर देश के मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान पेगासस जासूसी मामले पर भी चर्चा की गई है क्योंकि ये मुद्दा इन दिनों सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा है भारत के अंदर। ममता बनर्जी ने कहा है कि सोनिया गांधी विपक्ष की एकजुटता चाहती हैं। ममता ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कहा है कि हमारे लिए जनता ही चेहरा है, लोकतंत्र बचाने के लिए चेहरा भी आ जाएगा। 2024 विपक्ष के चेहरे के विषय पर ममता बनर्जी ने यह बात कही जब उनसे पूछा गया कि क्या पश्चिम बंगाल के बाहर देश भर में भी खेला होगा, तो उन्होंने कहा है कि हां, देश में भी खेला होने जा रहा है। ममता बनर्जी जिस तरह से 5 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंची हुई हैं, तमाम विपक्षी नेताओं से बातचीत कर रही हैं, तमाम जो सत्ता के मंत्री हैं उनसे बातचीत कर रही हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर चुकी हैं, इससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि विपक्ष के साथ वो सही तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही हैं और जो पश्चिम बंगाल के मुद्दे हैं उसको लेकर सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे बातचीत कर रही हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में CBI ने राज्य के 8 शहरों में 12 जगहों पर छापेमारी की है। अधिकारियों ने बताया कि इन जगहों में SCP संजय पाटिल और DCP राजू भुजबल के परिसर भी शामिल हैं। छापों की ये कार्रवाई मुंबई, पुणे, अहमदनगर, नासिक, ठाणे, सोलापुर, सांगली और उस्मानाबाद में हुई है। पुणे और मुंबई में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पाटिल के परिसरों और अहमदनगर और मुंबई में भुजबल से जुड़े परिसरों पर भी अभियान के दौरान छापेमारी की गई। यह अभियान मंगलवार रात खत्म हुआ। वहीं परिसर कथित बिचौलियों के हैं जिनके नाम जांच एजेंसी ने उजागर नहीं किए हैं। CBI ने देशमुख और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून और आपराधिक साजिश से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। मुंबई पुलिस आयुक्त पद से हटाए जाने के बाद परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में आरोप लगाया था कि देशमुख ने सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे को शहर के बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा था। सीबीआई की एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रारंभिक जांच में प्राइम फेसी में सामने आया है कि मामले में संज्ञेय अपराध हुए हैं, जहां महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और कई अज्ञात लोगों ने अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारियों के अनुचित और बेईमान प्रदर्शन से अनुचित लाभ लेने की कोशिश की। अधिकारी ये भी कहते हैं कि सीबीआई नियमावली के अनुसार यह आंकलन करने के लिए प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और इस बीच केरल में बहुत तेजी से बढ़ते हुए मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। बीते कुछ दिनों में आए नए एक्टिव केस में सबसे ज्यादा केरल से मामले सामने आए हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार ने चिट्ठी लिखी है। इस बीच उत्तर भारत के राज्यों में नए केस कम होने के बीच स्कूलों का खुलना भी जारी है। केरल में ईद से मिली छुट्टी के बाद अचानक से ही कोरोना के मामलों में तेजी दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ताजा मामलों में आधे से ज्यादा मामले केरल से ही सामने आ रहे हैं और पिछले 4 हफ्तों में नए मामलों की ग्रोथ डराने वाली है। केरल के कई जिले ऐसे हैं जिनमें कोरोना के मामलों में 60% तक की बढ़त हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अब राज्य सरकार को सुपर स्प्रेडर इवेंट पर रोक लगाने को कहा गया है। तेजी से नए मामलों में कमी लाने की अपील भी की गई है। देश में इस वक्त करीब 4 लाख एक्टिव केस है, इनमें से 1.5 लाख तो केरल से ही सामने आ रहे हैं। ऐसे में सबकी जो नजरें हैं वो केरल पर बनी हुई हैं। हालांकि अभी कुछ देर पहले ये अपडेट आया है कि केरल सरकार ने अब लॉकडाउन लगाने की बात कही है कि वहां पर वीकेंड लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। वहीं बढ़ते कोरोना के बीच एक अच्छी खबर है, देश को कोरोना का एक और टीका मिल सकता है। अहमदाबाद की फार्मा कंपनी जायडस कैडिला ने सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से जायकोव डी टीके को इमरजेंसी में इस्तेमाल की अनुमति के लिए आवेदन किया। सीडीएससीओ टीके को अनुमति देता है तो ये दुनिया का पहला डीएनए आधारित कोरोना टीका होगा। टीके को तैयार करने के लिए केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और आईसीएमआर ने जायडस कैडिला का सहयोग किया है। जायकोव डी टीके की डोज शरीर में जैसे ही जाएगी टीका शरीर की कोशिकाओं को कोट देगा, जिसके बाद शरीर में वायरस के बाहरी हिस्से जैसा दिखने वाला स्पाइक बनने लगेगा। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इसे खतरा मानकर एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी और शरीर कोरोना से बचने को तैयार हो जाएगा। फिलहाल अगर बात की जाए तो देश में पिछले 4 से 5 दिनों में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये बहुत अच्छी खबर है कि भारत को एक और जो वैक्सीन है वो मिलने जा रही है, एक और टीका मिलने जा रहा है। दक्षिण में बादल फटने से पूर्व मचेल सेक्टर में भी बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। गनीमत रही है कि मचेल यात्रा पर रोक लगा दी गई है, जिससे बड़ी त्रासदी होने से बच गई। बाढ़ से दरियाई नालों पर बने जो पुल हैं वो बहते हुए नजर आए, इससे गांव के आपसी संपर्क कट गया है। इलाके में बिजली गुल बताई जा रही है। 300 से ज्यादा लोग अलग अलग जगहों पर अब भी फंसे हुए हैं, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। प्रशासन के मुताबिक राशन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वैकल्पिक संपर्क मार्ग बनाकर फंसे लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने की भी कोशिश लगातार जारी है। दर्शन के होजत गांव में बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे बादल फटने से तबाही मच गई, लेकिन पडार के मचेल सेक्टर में मंगलवार देर शाम से ही भीषण बाढ़ आ गई थी। सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीमों ने पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से मंगलवार शाम से ही लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तो मचेल सेक्टर के एसडीएम वरणजीत साधक ने बताया कि बाढ़ की सूचना मिलने पर मंगलवार रात 7 बजे से ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई थी। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। यहां पिछले 24 घंटों में 43,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 38,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं और 640 मरीजों की जान चली गई है। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 3,97,330 हो गई है। इसमें बीते एक दिन में 3,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जो कि पिछले 77 दिनों में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा चिंता केरल बढ़ा रहा है, यहां लगातार दूसरे दिन 22,000 से ज्यादा केस आए हैं। 27 जुलाई को यहां पर 22,000 से ज्यादा मरीजों की पहचान हुई थी। 28 जुलाई को 22,056 की पहचान हुई। अभी इकलौता राज्य है जहां 1,00,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है।
झारखंड में सरकार गिराने की साजिश की जांच तेजी से चल रही है। सरकार को अस्थिर करने और विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में अब तक कांग्रेस के 18 में से 11 विधायकों के नाम सामने आ गए हैं। इससे पार्टी की किरकिरी तो हो ही रही है, वहीं अब आलाकमान ने भी प्रदेश कांग्रेस से पूरे मामले में जवाब मांगा है। इस बीच बुधवार को ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगिरी आलम के आवास पर विधायकों की बैठक हुई, जिसमें विधायकों से 1-on-1 बात की गई। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमेश्वर उरांव भी मौजूद थे। सरकार गिराने की साजिश मामले में रांची पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों के बयान पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें कांग्रेस विधायक नजर आ रहे हैं। इससे कांग्रेस विधायक संदेह के घेरे में आ गए। वहीं इस मामले को जानने समझने में प्रदेश कांग्रेस के वरीय नेता जुटे हुए हैं। विधायकों की ओर से जानकारी जमा की जा रही है, ताकि आलाकमान को मौजूदा स्थिति से अवगत कराया जा सके। वहीं विधायक इरफान अंसारी और उमाशंकर ने साफ कहा है कि उन पर लग रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। वो कहते हैं कि पिता के इलाज के लिए वो दिल्ली गए थे, कहीं किसी सीसीटीवी फुटेज में दिख गए होंगे। साथ ही वो किसी भी सूरत में कांग्रेस छोड़ने वाले नहीं हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर विपक्ष को अपना काम नहीं करने देने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि संसद का समय बर्बाद नहीं किया जाएगा, महंगाई, किसान और पेगासस पर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करें। मोदी सरकार विपक्ष को ये काम नहीं करने दे रही। कांग्रेस नेता ने इस बात पर जोर दिया, संसद का और समय व्यर्थ मत करो, करने दो महंगाई, किसान और पेगासस की बात। पेगासस और कई मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। सड़कों तक इसका असर देखा जा सकता है। 19 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू हुआ था, लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित रही है। सिर्फ 13 घंटे कार्रवाई चली है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 7 दिनों में सिर्फ 13 घंटे। विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए सरकार के तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म हो सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।